जो कि घर में आ जाता है एंड वो बिच्छू जो है वो स्टिंग कर लेता है डंक मार देता है उस लेडी को पोइट की मदद को एंड ऑल द नेबर्स ऑल द विलेजर्स गांव के सभी लोग दे कम देयर जस्ट टू नो अबाउट द लेडी जस्ट टू शो देयर सिंपेथी बट दीज विलेजर्स दे हैड बीन वेरी सुपरस्टिशियस क्योंकि गांव में हम सब जानते हैं कि इंडियन विलेजेस का जो सीन यहाँ दिखाया गया है वो रियलिटी में जो हमारे विलेजेस होते हैं उनसे काफ़ी हद तक मिलता जुलता जहाँ की किसी के घर में तकलीफ होने पर नेबर्स आते हैं बट साथ ही साथ ये लोग जो सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं ये लोग जो रीबर्थ में यानी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तो इस डंक मारने के जो इंसिडेंट हुआ था द इशू ऑफ स्टिंगिंग बाय द स्कॉपियन दैट हैज़ बीन रिलेटेड टू रीबर्थ एंड लेकिन ये जो पेन था अल्टीमेटली दैट रिड्यूसेस एंड आफ्टर ट्वेंटी आवर्स ये पेन जो है अपना असर जो है धीरे धीरे उसका लोस्ट होता है और यहाँ दिखाई देती है एक मदर का जो सेल्फलेस यानी निस्वार्थ लव होता है अपने चिल्ड्रन के लिए वो तो हम देखते हैं पोएम को आई रिमेंबर द नाइट माई मदर स्टंग वर्स अ बास्कोपियन पोएम स्टूडेंट्स हैज बीन टोल्ड बाय द ऑफ अ फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन यानी एक नेरेटिव जो होता है एक कथनकर्ता जो होता है वो एक कहानी की तरह उसको सुना रहा है आई जब आई जो है फर्स्ट पर्सन है यानी कि कहने वाले की खुद की लाइफ का इंसिडेंट है हियर वी कैन रिलेट इट टू द पोइट हिमसेल्फ हम ये मान सकते हैं कि हालांकि इसके लिए ऑथेंटिक प्रूफ कहीं नहीं मिले बट हम ये मान सकते हैं कि दिस इज द स्टोरी ऑफ द पोइट हिमसेल्फ आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय स्कॉर्पियन पोइट वेन ही वॉज अ चाइल्ड दिस इंसिडेंट हैपन एंड ही सीज आई रिमेंबर द नाइट मुझे याद है वो रात अच्छे से माई मदर वॉज स्टंक बाई अ स्कॉर्पियन स्टंग स्टिंगिंग डंक मारा जाना है मेरी माँ को एक स्कॉर्पियन ने स्टिंग कर लिया था टेन आवर्स ऑफ स्टीडी रेन है ड्रिवन हिम टू क्रॉल बिनीथ अ सेको फ्राइस पार्टिंग विद दिस पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबेलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्कड द रेन अगेन टेन आवर्स ऑफ स्टीडी मिन कंटिन्यूस लगातार दस घंटे जो लगातार बारिश हुई है ड्रिवन हिम ड्रिवन हिम इन फोर्स हिम हिम पर्सोनिफाई कर दिया गया स्कॉर्पियन को एक इंसान की तरह ट्रीट किया गया टेन आवर्स ऑफ स्टीडी रेन है ड्रिवन हिम टू क्रॉल बिनी कि जो दस घंटे की लगातार बारिश हुई दैट कॉम्पेल्ड और दैट फोर्स्ड दैट स्कॉर्पियन टू क्रॉल बिनीथर सैकोफ्राइस कि वो क्रॉलिंग करते हुए वो रिंगते हुए आ गया और छिप गया एक सैक बुरी एक बोरी जो राइस की थी उसके नीचे और माँ शायद उसी रूम में शायद वो स्टोर रूम रहा होगा वहां कुछ सामान निकालने आई होगी और शायद जो है उस टाइम उसने उसे डंक मार लिया होगा पार्टिंग विद हिज पॉइजन पार्ट मीन बिछड़ना अभी जब स्कॉर्पियन व्हेन ही वाज पार्टिंग विद हिज पॉइजन जब ये अपने पॉइजन से बिछड़ रहा था बिछड़ कैसे रहा था इट मीन्स ही हैड स्टंग द मदर एंड वो पॉइजन अभी कहाँ चला गया मदर के ब्लड में फ्लैश ऑफ डायबेलिक टेल इन द डार्क रूम डायबलिक डार्क एलिट्रेशन यहाँ यूज हुआ है फ्लैश ऑफ डायबलिक टेल टेल यानी पूंज इन द डार्क रूम उसको डायबलिक यानी डेबिल से रिलेट किया गया कि सेम वे जब ये जा रहा था मदर को डंक मारते ही एंड ही रिस्क द रेन अगेन रेन में फिर से वो रिस्क लेते हुए बाहर चला गया मजबूरी में वो अंदर आए थे और मदर को डंक मारने के बाद वो बाहर चला गया तो सेम टाइम क्या हुआ एक फ्लैश फ्लैश यहाँ किस चीज़ की थी शायद बिजली की और बिजली जब चमकी तो देखा जा सकता था कि उसकी पूंछ जिसको डेविल से कंपेयर किया गया डायबलिक टेल कहा गया यानी कि मेटाफर का भी यहाँ यूज हुआ तो इसकी आ, मतलब वो फ्लैश के अंदर वो पूँछ वहाँ दिखाई दी एंड आफ्टर पार्टिंग आफ्टर स्टिंगिंग द मदर दैट वेंट अगेन इन द रेन तो फर्स्ट टेंजर में हम देखते हैं दैट द पोइट और एनी नरेटर

और डायबिलिक टेल मेटाफर का यूज मान सकते हैं कि स्कॉर्पियन की टेल को डायबिलिक टेल कहा गया दैत्य की पूंछ कहा गया एंड फुट नोट्स में अगर हम देखते हैं द द द द इज इज रिटन इन इन फर्स्ट पर्सन स्पीकर अ चाइल्ड एंड दे आर टॉकिंग अबाउट अ नाइट मदर बाय अ टियन एंड द वर्ड राइस इन डार्क रूम सजेस्ट दैट द दोएम इज सेट इन अ पुअर इंडियन होम यस ये पोएम का सीन जो है एक नॉर्मल लो मिडिल क्लास फैमिली जो इंडियन विलेज फैमिली है वहां का है The pigeons came like swarms of flies and burst the name of God a hundred times to paralyze the evil one. The pigeons, pigeons मतलब किसान, जैसे ये न्यूज़ गांव में पहुंची, लोगों तक पहुंची, the pigeons came like swarms of flies. वो मक्खियों की झुंड की तरह आ गए, मक्खियों की झुंड की तरह आने का मतलब क्या? जैसे मक्खियाँ एक झुंड में आती है वैसे ये किसान भी जो थे, वो झुंड बनाकर आ गए. सिमिली का यूज हुआ. पीजेंट स्कीम लाइक स्वाम्स ऑफ फ्लाइज किसानों को कंपेयर किया गया फ्लाइज से यानी मक्खियों से एंड बर्ज द नेम्स ऑफ गॉड अ हंड्रेड टाइम्स बजिंग भिन भिनाना होता है जैसे मक्खियाँ भिन भिनती है सेम वे कि किसानों ने जपना शुरू किया भगवान का नाम तो बर्स्ड ऑनोमेटोपिया है यानी कि एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस जहाँ वर्ड्स जो है खुद अपनी साउंड को सजेस्ट करें साउंड से रिलेटेड जितने वर्ड्स होते हैं वो ऑनोमेटोपिया कहलाते हैं टू पेरालाइज द इविल वन और सबकी एक ही जो है प्रेयर थी कि इवल वन इविल वन कौन है यहाँ स्कॉर्पियन जिसको बुराई का प्रतीक इन्हें डेविल माना गया और उसको जो है पेरालाइज कर दे भगवान जो है लकवाग्रस्त कर दे ये भी अंधविश्वास से रिलेटेड जो है उनकी एक प्रेयर थी एज सुन एज द न्यूज ऑफ द मदर्स बींग स्टंग बाय स्कॉर्पियन रीज टू द विलेजेस द केम इन अ ग्रुप They have been compared with the swarms uh, of flies, and they all prayed to God that the evil ones, the evil scorpion Burai jo haiye, that may be paralyzed. With candles and with lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud baked walls, they searched for him, he was not found. With candles and with lanterns, these villagers came with candles and with lanterns, candles in a and lanterns and Laltin. गांव का सीन है कि लोग आए थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शेडोज ऑन द मड बेक्ड वॉल्स और ये जो बड़ी बड़ी स्कॉर्पियन शेप की शेडोज़ यानी परछाइयाँ पड़ रही थी अंधेरे में जो लालटेन या चिमनी की कैंडल्स uh, की जो लाइट थी मड बेक्ड वॉल्स मड बेक्ड वॉल कंप्लीटली रूरल एटमोस्फेयर को दिखाया जा रहा है गारे की जो धूप में पक्की दीवारें थी उन पर बड़ी बड़ी परछाइयाँ भी पड़ रही थी स्कॉर्पियन शेडोज क्यों कहा गया क्योंकि अनसर्टेन शेडोज थी बहुत सारे लोग थे

बजाय कि मदर को ट्रीट करने के दे वर्स सर्चिंग फॉर द स्कॉर्पियन एंड दे सेड विद एवरी मोमेंट द मदर द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदरस ब्लड फर्स्ट अंधविश्वास उनका क्या था कि स्कॉर्पियन जितनी भी मोवमेंट करेगा गतिविधि करेगा हलचल करेगा बाहर जितना भी घूमेगा उसका जो पॉइजन जो अभी मदर के ब्लड में है वो माँ के ब्लड में ही घूमेगा यानी स्कॉर्पियन की मोवमेंट के साथ जो पॉइजन वो दे चुका है उसमें भी मोवमेंट होगी और वो माँ के शरीर में फैलता जाएगा अगेन हम देखेंगे विथ कैंडल्स एंड विद लेंटर्स थ्रूंग जाइंट स्कॉपियन शेडूज ऑन द मड बेग्ड वॉल्स द सर्ज फॉर हिम ही वॉज नॉट फाउंड पोइट्स इज के लोग आते गए कैंडल्स लेकर आए लालटिन लेकर आए और वो बड़ी बड़ी परछाइयाँ जो है मड बेग्ड वॉल्स पर पड़ रही थी लोग उसे ढूंढ रहे थे किसी स्कॉर्पियन को लेकिन वो किसी को नहीं मिला द क्लिक देअर टंग्स इन्होंने अपने टंग्स क्लिक किया एंड देयर वॉज अ रीजन दैट दे वर थिंकिंग दे वर रिलेटिंग इट टू अ सुपरस्टिशन की स्कॉर्पियन के हर मोमेंट के साथ जो है वो मदर के ब्लड में उसका पॉइजन मूव होगा मे ही सिट स्टिल दे रेफर्स टू सम प्रेयर मे ही सिट स्टिल दे दिस पीपल वर प्रेइंग कि भगवान करे वो शांत होकर बैठ जाए मे द सेंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्ंड अवे टू नाइट दे सेट मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिस फॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ दे सेट हियर दे हैव रिलेटेड द होल पेन एंड कॉन्सेप्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ री बर्थ उन्होंने क्या कहा मे द सेंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्ंड अवे टू नाइट कि तुमने पिछले जन्म में जो भी पाप किए हैं उन पापों की जो सजा नेक्स्ट जन्म में मिलती है भगवान करें कि माँ ने पिछले जन्म में जो भी पाप किए हैं वो सब इस दर्द के साथ जल जाए मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिस फॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ ये सफरिंग्स जो है आज जो तुम झेल रही हो ये जो पीड़ाएं हैं जो कष्ट है वो तुम्हारे नेक्स्ट बर्थ की मिस फॉर्च्यून यानी दुर्भाग्यों को भी डिक्रीज करते हैं दि स्टार्टेड लिंकिंग इट विद द पेन्स एंड सफरिंग्स ऑफ प्रिवियस बर्थ दिस बर्थ एंड नेक्स्ट बर्थ उन्होंने रिबर्थ की बातें करना शुरू की मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंसड इन दिस वर्ल्ड against the sum of good become diminished by your pain here the line may the sum of all evil this is ki sum of all evil sabhi buraiyon ka jo sum hai yani jo total hai balanced in this unreal world unreal world kisko kaha gaya hai इस दुनिया को अर्थ को कहा गया है इस जन्म को unreal वर्ल्ड से relate किया गया है religious uh, terminology में And उन्होंने कहा कि real वर्ल्ड जो है वो मौत के बाद आता है तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि इस अनरियल वर्ल्ड यानी इस धरती पर क्या होता है हमारी जितनी भी इविल है बुराइयां हैं उनका टोटल अगेंस्ट द सम ऑफ गुड और जो हमारी गुड यानी अच्छाइयों का जो टोटल होता है वो बैलेंस होता है तभी स्वर्ग और नर्क मिलता है एक कॉन्सेप्ट कि इंसान के द्वारा की गई बुराइयां और इंसान के द्वारा की गई अच्छाइयों को बैलेंस में रखा जाता है अब अगर उसे बुराइयां मिल ज्यादा है उसकी तो उसे नरक मिलेगा और अगर उसकी अच्छाइयाँ ज्यादा है तो उसे स्वर्ग मिलेगा तो वो प्रे करते हैं कि जो तुम्हारी बुराइयां हैं बिकम डिमिनिश्ड वो डिमिनिश्ड हो जाए कम हो जाए बायर पेन तुम्हारे दर्द से ताकि तुम तुम्हारी अच्छाइयाँ ज्यादा हो जाए और तुम्हें स्वर्ग मिले मे द पॉइजन प्योरिफाई योर फ्लैश पॉइजन प्योरीफाई अलिट्रेशन है मे द पॉइजन प्योरिफाई योर फ्लैश के पॉइजन जो है वो तुम्हारे फ्लैश को यानी तुम्हारी भौतिक इच्छाएं कह सकते हैं फिजिकल डिजायस कह सकते हैं कि तुम्हारी जो इच्छाएं हैं उनको प्योरीफाई कर दे पवित्र कर दे और किस चीज के ऑफ डिजायर यानी शारीरिक रूप से तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं लग्जरीस लाइफ की तुम्हारी इच्छाएं पवित्र हो जाए एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन और साथ ही साथ तुम्हारी एम्बिशन तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं भी शुद्ध हो जाए एंड दि सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर और वो सब लोग इस तरह की रिक्वेस्ट करते हुए सुपरस्टिशन को मानते हुए अंधविश्वास भरी बातें करते हुए माँ जो सेंटर में लेटी हुई थी उसके चारों तरफ बैठ गए द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस सब किसी के चेहरे पर पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी शांति की सॉरी समझ की शांति थी मानो वो माँ के दर्द को समझ रहे हो जिसको हम थोड़ा सा आयरोनिक भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ वो नहीं समझ रहे थे यहाँ सिर्फ वो उसे सुपरस्टिशन से रिलेट कर रहे थे मोर कैंडल्स मोर लेंटन मोर नेबर्स मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन और कैंडल्स आई और लेंट आई और पड़ोसी आते गए क्योंकि पड़ोसी लेकर आ रहे थे मोर इंसेक्ट्स और उनके साथ साथ इंसेक्ट एंड कीट भी आए एंड द एंडलेस रेन माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ओन ए मेट माँ जो है एक मेट पर लेटी हुई चटाई पर लेटी हुई ट्विस्ट हो रही थी ट्विस्ट एंड टर्न हो रही थी दर्द से वो जो है तड़प रही थी बार बार माई फादर स्केप्टिक रेशनलिस्ट ट्राइंग एवरी करस एंड ब्लैसिंग पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड मदर जो है शी इज़ टोटली लॉस्ट इन पेन एंड द फादर हु इज नोट दैट सुपरस्टिशियस जो इतने सुपरस्टिशियस नहीं है वो थोड़े स्केप्टिक हैं स्केप्टिक एक ऐसा पर्सन होता है जो हर चीज़ को तर्क की कसोटी पर रखता है रेशनलिस्ट इन्हें तार्किक हैं ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लैसिंग्स वो हर कर्ज और हर ब्लेसिंग जो ग्राम गाँव वाले दे रहे ग्रामीण लोग दे रहे हैं मतलब कर्ज किसे दे रहे हैं शराब किसे दे रहे हैं उस कॉपियन को ब्लेसिंग किसे दे रहे हैं माँ को उसके साथ साथ उन्होंने और भी चीज़ें ट्राई की फादर ने क्या ट्राई किया पाउडर मिक्सचर हर्ब्स एंड हाइब्रिड जितनी भी दवाइयाँ हैं जड़ी बूटियाँ हैं मिक्सचर उनका है मिक्स दवाइयाँ हाइब्रिड जो मिक्सअप होता है उन सबको ट्राई किया उन्होंने ना सिर्फ उन बातों को श्राप और आशीर्वाद को बल्कि उन सब दवाइयों को भी ट्राई किया वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट फील कर रहे थे एंड इवन उन्होंने उससे क्या किया ही इवन पोअर्ड अ लिटिल पैराफिन अपॉन द बिटन टो माँ का जो टो यानी पैर की जो उंगली या अंगूठा था जिस पर उस स्कॉर्पियन ने टांग सॉरी डंक मारा था इवन उन्होंने उस पर थोड़ा सा पैराफिन उड़ेल कर पैराफिन केरोसिन जो होता है वो उड़ेला और उस पर आ, जो है आ, माचिस भी लगा दी माचिस क्यों लगा दी ताकि इसका इन्फेक्शन जो है वो आगे ना फैले और वो जलन वो दर्द वो पॉइजन वहीं का वहीं ख़त्म हो जाए फादर इतने ज़्यादा डिस्पेरेट हो रहे थे माँ को इस पेन से रिलीफ दिलाने के लिए कि इनडायरेक्टली उन्होंने उसको थोड़ा सा जो है साफ करने के लिए और ज़्यादा माँ को दर्द दिया आई वॉस्ट द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर बच्चा जिसके माइंड पर इस बात का बहुत गहरा असर है वो ये कहता है आई वॉस्ट द फ्लेम मैं उस फ्लेम को उस लपट को देख रहा था जो फीड यानी पोषित हो रही थी मेरी माँ के पैर पर क्योंकि वो माँ का अंगूठा ही जल रहा था आई वॉस्ट द होली मैन होली मैन सम्प्रीस्ट कोई तांत्रिक परफॉर्म हिज राइट्स जो अपने राइट्स को धार्मिक क्रियाकलाप को परफॉर्म कर रहा था टू टेम टेम करने के लिए यानी पालतू बनाने के लिए द पॉइजन पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए विद इन इनकेंटेशन इनकेटेशन मीन रिलीजियस चैंटिंग और स्पेलिंग यानी मंत्रोच्चारण होली मैन भी आया एक तांत्रिक या प्रीस्ट भी आया जो कि वो मंत्रोच्चारण से पॉइजन को पाल टेम कर रहा था कंट्रोल कर रहा था द पीपल डू नॉट कॉल अ डॉक्टर फॉर द वुमेन दे आर ऑल सुपरस्टिशियस पर्सन अंधविश्वासी एंड दैट्स वाई दे हैड कॉल्ड अ होली मैन और जिस वजह से हमें दिखता है कि सोसाइटी सुपरस्टिशियस तो थी ही थी साथ ही साथ रिलीजियस भी थी दे बिलीव द होली मैन कैन क्योर है उनका विश्वास था कि जो पुजारी है या तांत्रिक है ये उस पॉइजन को कंट्रोल कर लेगा आफ्टर ट्वेंटी आवर्स इट लॉस्ड इट्स टिंग द मदर ओनली सैड थैंक गॉड द स्कॉपियन पिक डोन मी इंस्पेयर्ड माई चिल्ड्रन पिन गया लेकिन तुरंत नहीं गया बल्कि बीस घंटे बाद इट लॉस्ड इट्स स्टिंग उसका जो डंक था वो धीरे धीरे कम हुआ असर जो है दर्द का वो कम हुआ द मदर ओनली सजेस्ट सेट माने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही थैंक गॉड द स्कॉपियन पिक डॉन मी इंस्पेयर माई चिल्ड्रन माँ ने गॉड को थैंक करते हुए कहा कि अच्छा हुआ स्कॉर्पियन ने मुझे ही पकड़ लिया और मेरे बच्चों को छोड़ दिया तो ये लाइंस जो है दीज आर एक्चुअली द सम टोटल ऑफ द होल पोएम वी कैन से अगर हम यहाँ देखें तो टाइम इज द हीलर टाइम जो है वो अल्टीमेट हीलर है समय सब कुछ अल्टीमेटली हील कर देता है यानी उपचार कर देता है द टोन सजेस्ट दैट ऑल द पैनिक वॉज अननेसेसरी क्यों क्योंकि समय के साथ ये दर्द जो तकलीफ जो थी वो सब चले गए

तो अगर हम पानते हैं तो ये पोएम एक इंडियन विलेज के बैकग्राउंड को दिखाती है जहाँ की एक दर्द में एक पड़ोसी के दर्द में पूरा का पूरा पड़ोस आ जाता है बट साथ ही साथ ये दिखाई देता है दैट हाउ इंडियन विलेजेस आर डीपली रूटेड इन सुपरस्टिशियंस दे हैव द सिंपथी बट दे आर एक्चुअली सुपरस्टिशियस साथ ही साथ हमें इंडियन विलेजेस की झलक देखने को मिली उनके बिलीव्स जो है रिबर्थ में वो मिले और इसके साथ हम देखते हैं टाइम इज द अल्टीमेट हीलर एंड द फॉर्मोस्ट थीम इज दैट द सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर टुवर्ड्स हर चिल्ड्रन सो स्टूडेंट आई होप दैट दिस पोएम दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज दिस इज टोटल इन प्योरली इंडियन लैंग्वेज विद इंडियन बैकग्राउंड एंड दैट इज द इजिएस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड बाई द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द पोएम And go through the poem once again if you have any doubt. And still, if the doubt remains, you can comment me in the comment section. So, thank you. Have a nice day.